नमस्कार, मैं हूं राखी सिंघल और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आप उत्तर प्रदेश प्राइम में हम विश्लेषण करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों की उत्तर प्रदेश के। तो पहली खबर की तरफ बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश पर कहा है कि उत्तर प्रदेश सही रास्ते पर है और प्रदेश में संसाधनों की कोई कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा युवा ऊर्जावान है। हम यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को 12,81,000 घर दिए गए हैं, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का माहौल बदला है, आने वाले वक्त में हर क्षेत्र में निवेश लाएंगे और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ये जो क्षेत्र हैं, इन सब के साथ साथ एग्रीकल्चर का है, लाइट सेक्टर है, माइनिंग का है, उद्योग है, बिजली है, वाटर सप्लाई है, कंस्ट्रक्शन के हैं, जितने हैं इन सभी सेक्टर में हम लोगों को आने वाले 5 वर्ष के लिए एक लक्ष्य तय करना पड़ेगा कि 70,000 करोड़ रुपए से लेकर के 1,00,000 करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त निवेश की व्यवस्था, 70,00,000 करोड़ रुपए से 1,00,000 करोड़ रुपए तक की हमें यहाँ पर निवेश अलग अलग सेक्टर में कराने के लिए उस प्रकार की व्यवस्था हमें देनी पड़ेगी। तब जाके भारत इतने कम समय में उस एक लक्ष्य को प्राप्त कर पा सकता है। लक्ष्य बड़ा है लेकिन असंभव नहीं है, वो संभव है, उसे प्राप्त किया जा सकता है। तो बिल्कुल, आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने अनुपूरक बजट पेश किया था, उसके बाद उन्होंने उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से सही रास्ते पर है और अब यूपी को $1 ट्रिलियन की जो निवेश है कि अर्थव्यवस्था बनाएंगे यूपी को, योगी आदित्यनाथ का ये कहना है। उनका कहना है कि सभी सेक्टर्स के लिए निवेश की व्यवस्था करना ही लक्ष्य है, संसाधन उपलब्ध करवाना लोगों के लिए जरूरी है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, और उन्होंने बजट पेश किया जिस पर उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश एकदम सही रास्ते पर है, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है। उन्होंने $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की बात कही है। उनका कहना है कि अगर सभी सेक्टर्स को सही व्यवस्था में लाना है तो उसके लिए निवेश की आवश्यकता है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता योगेश पांडे जुड़ चुके हैं। योगेश, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुपूरक बजट पेश किया, जिसके बाद उनका ये कहना है कि उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही रास्ते पर है, क्या लगता है? देखिए राखी, बता दो कि जो बजट पेश किया है मुख्यमंत्री राजेश अग्रवाल ने पेश किया है, और जिस तरह से आज सुनने के बाद जो है आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में उन्होंने कहा विधानसभा में सत्र के दौरान जिस तरह से कि अनुपूरक बजट पर वो ये था कि उत्तर प्रदेश, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही रास्ते पर है और प्रदेश में कोई भी संसाधनों की कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा युवा है, जो कि ऊर्जावान है, उनमें कोई किसी तरह का नहीं है और हम यूपी को $1 ट्रिलियन के अर्थव्यवस्था बनाने की $1 ट्रिलियन। जी योगेश, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का कहना है कि यूपी में संसाधनों की कमी नहीं है और पूरी तरीके से जो युवा है वो ऊर्जावान है। जी बिल्कुल, तो आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने अपना अनुपूरक जो बजट है वो पेश किया, उसके बाद उनका ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में संसाधनों की कोई कमी नहीं है, युवाओं का प्रदेश है उत्तर प्रदेश और जो युवा है वो ऊर्जावान है, किसी भी संसाधन की कोई कमी नहीं है, योगी आदित्यनाथ का ये कहना है।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मुलायम सिंह और मायावती की मुश्किलें बढ़ाने जा रही है। दरअसल योगी सरकार मुलायम से लेकर मायावती शासनकाल के दौरान लोक निर्माण विभाग में हुए लगभग 1,000 करोड़ से ज्यादा के घोटाले की जांच कराने जा रही है। आपको बता दें कि शासन की तरफ से एसआईटी को वित्त वर्ष 2004 से 2005 और 2012 से 13 के बीच पूर्वांचल के 13 जिलों की 137 परियोजनाओं में हुए घोटाले की जांच का पत्र प्राप्त हुआ है, जिसके बाद एसआईटी ने पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव से घोटाले से जुड़ी फाइल तलब की है। आरोप ये है कि काम के एवज में अधिक भुगतान किया गया, जबकि काम को समय पर पूरा नहीं किया गया है। सूत्रों के मुताबिक वाराणसी और इलाहाबाद अंचल में तो सैकड़ों करोड़ों तक घोटाला हुआ है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ योगेश पांडे जुड़ चुके हैं। योगेश, जिस तरीके के ये बताया जा रहा है कि अब मुलायम सिंह यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ने वाली हैं और जो घोटाला हुआ था उसकी अब जांच की जा रही है। देखिए राखी, आपको बता दें कि अगर प्रदेश में देखा जाए पीडब्ल्यूडी विभाग जो होता है वो अहम माना जाता है, और पीडब्ल्यूडी विभाग में जिस तरह से भ्रष्टाचार हो, चाहे मुलायम सिंह यादव की सरकार रही हो यानी समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, या चाहे बसपा की सरकार रही हो मायावती की, और चाहे अगर हालांकि वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में भी भ्रष्टाचार जमकर के फैला हुआ है और भ्रष्टाचार की जड़ों में जकड़ा हुआ है पीडब्ल्यूडी विभाग। लेकिन क्योंकि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार है उत्तर प्रदेश में, तो जिस तरह से एक बार फिर से सपा शासनकाल हो या शासनकाल हो, पुराने जो समय में जिस तरह से जो भ्रष्टाचार हुआ है वित्त वर्ष 2004 और 5 से लेकर के 12-13, यानी इनमें दोनों सपा की भी सरकार आती इंक्लूड है और बसपा की भी इंक्लूड है, दोनों शासनकालों में जो भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा खुलासा करने की बात कह रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। क्योंकि जिस तरह से सैकड़ों करोड़ की जो बात आ रही है कि सैकड़ों करोड़ का घोटाला हुआ है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो शासन के द्वारा पत्र भी दिया जा चुका है और एसआईटी को जो पत्र मिला है शासन के द्वारा, उसने उसके बाद अब प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी से एसआईटी ने जो भ्रष्टाचार से जुड़ी फाइलें हैं उनको तलब की है, उनको मांगी है, और जैसे ही उन फाइल पहुंचती है एसआईटी के पास वो अपना काम का आगे का काम करना शुरू कर दीजिए। जाहिर है कि एसआईटी की जब जांच शुरू होगी तो कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव हो और चाहे फिर मायावती हो, ये गिरफ्त में आएंगे जाएंगे। बिल्कुल, सवाल बिल्कुल दागे जाएंगे। और बताया जा रहा है कि 1,000 करोड़ का ये घोटाला है और जितना काम करना था लेकिन काम नहीं हुआ, वहीं के वहीं रुका हुआ है, और उससे ज्यादा जो बजट आवंटित हुआ था। बिल्कुल राखी, देखिए जिस तरह से पीडब्ल्यूडी विभाग भ्रष्टाचार हमने बताया कि पूरी तरीके से भ्रष्टाचार की जड़ों में है, तो कहीं ना कहीं काम का टेंडर होता है, टेंडर होने के बाद काम को किया नहीं जाता है, काम ना करने के बाद पहले तो जो काम किया होता है वो बहुत घटिया तरीके से होता है, उसका तो पैसा पास ही पास होता है। कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो कि काम किए ही नहीं जाते, केवल टेंडर और फाइलों में वो काम हो जाते हैं, जमीनी जीरो ग्राउंड पर वो काम नहीं होते हैं, लेकिन उसका भी पैसा अधिकारियों की मिली भगत से ये सारा का पैसा निकाल लिया जाता है। और कहीं ना कहीं इसी तरह की जिस तरह से जो पिछले शासनकाल की जो कमियां निकल कर आ रही हैं, वो 13 जिलों में 137 परियोजनाएं ऐसी हैं जिनमें भ्रष्टाचार की बात हो रही है, और उन भ्रष्टाचारों को उजागर करने के लिए योगी सरकार तत्पर है, और एसआईटी की जांच शायद इसीलिए बैठाती है। बहुत जल्द जिस तरह से एसआईटी की जांच जब होगी तो उसमें देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कौन कौन अधिकारी और कौन कौन नेता इसमें गिरफ्त में आते हैं। जी, और बताया ये भी जा रहा है कि जो गढ़ है वाराणसी और इलाहाबाद में भी इस तरीके के घोटाले सामने आए हैं। देखिए अगर वाराणसी और इलाहाबाद की जिक्र करें राखी, तो सबसे ज्यादा जो बड़ा घोटाला हुआ है वो वाराणसी और इलाहाबाद में हुआ है। केवल इलाहाबाद का अगर केवल मैं जिक्र करूं तो लगभग सैकड़ों करोड़ रुपए का से ज्यादा का घोटाला हुआ है, केवल इलाहाबाद अंचल की मैं बात कर रहा हूँ। तो सोचिए जरा सा, इलाहाबाद और वाराणसी कितना बड़ा बड़ा घोटाला हुआ है, पूर्वांचल का अगर जिक्र करें तो पूरा हजार करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। जी योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि अब कहीं ना कहीं घास गिरने वाली है मुलायम सिंह यादव पर और बसपा सुप्रीमो मायावती पर, क्योंकि अब योगी सरकार जो घोटाले हुए थे उनकी जांच करेगी। और अब राजधानी लखनऊ की बात, जहां अब अपराधियों का सॉफ्ट अड्डा बन गया है लखनऊ। लगातार हो रही हत्याओं से राजधानी की कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई है। ठाकुरगंज अस्पताल क्षेत्र के मरी माता मंदिर के पास प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बाइक सवार
दो बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। वहीं गोली चलने की सूचना मिलते ही पुलिस आला अधिकारी के हाथ पांव फूल गए और वो मौके पर पहुंचे। आईजी एसएसपी से लेकर कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची है और अब जांच कर रही है। एक शरद निगम नाम के व्यक्ति थे, लगभग 28-30 साल के हैं और जो है अपने घर से करीब 100 मीटर दूर पे साइकिल से जा रहे थे, तो पीछे से दो बाइक सवार लोग, जिसमें आगे एक काले टी शर्ट पहने हुए लड़का, जो लड़का या जो भी था, हेलमेट लगाए हुए था, उसके साथ एक व्यक्ति और था, उसने गोली मारी है और गोली मारते हुए आगे भागते हुए निकल गए हैं। प्रथम दृष्टया जो लग रहा है कि किसी तरह के कोई आपसी रंजिश है या कोई और बात है, उसकी तह तक जाके जो है ये देखने की आवश्यकता है कि क्या कारण था जो गोली मारी गई है। ये कई जगह सीसीटीवी भी लगे हुए हैं यहाँ पर, तो उम्मीद है कि जो है शीघ्र ही इसका अनावरण लखनऊ पुलिस द्वारा किया जाएगा। तो वहीं हापुड़ के कचहरी परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब पेशी के लिए आए धारा 302 और धारा 307 के आरोपियों में हवालात में धारदार हथियार चला दिए गए। बताया जा रहा है कि धारा 307 के आरोपियों ने हवालात में धारा 302 में हवालात में बंद आरोपी के गर्दन पर हथियार से हमला कर दिया, जिसको गंभीर हालत में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की जानकारी मिलते ही भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। गांव का मसला है, इसमें 302 में लोग बंद है, कुछ गांव में झगड़ा हुआ था, एक पार्टी पे 302 है, एक पे 307 है, तो आज 307 और 302 दोनों की यहाँ पे सुनवाई थी, होनी थी, तो उसमें कुलदीप के गर्दन पे ब्लेड और चाकू मारे। तो ये यूपी के हापुड़ का ये मामला है जहां पर पेशी पर दो आरोपी आए, जिस पर 102 और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धर्मपाल सिंह जुड़ चुके हैं। धर्मपाल सिंह, जिस तरीके से ये पूरा मामला है कि दो आरोपी, जिस पर ऑलरेडी आरोप है, एक पर धारा 302 और एक पर धारा 307 लगी हुई है, लेकिन पुलिस प्रशासन भी उनके साथ मौजूद होगा जब पेशी के लिए आए होंगे, और इस तरीके की वारदात के एक दूसरे आरोपी पर और एक आरोपी हमला कर देता है। जी, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये मामला उस समय हुआ जब दोनों आरोपी कचहरी में पेशी के लिए आए थे और दोनों ही हवालात में बंद थे। उस समय पे एक आरोपी ने दूसरे आरोपी की गर्दन पर धारदार हथियार से हमला कर उसे घायल कर दिया। अभी क्या स्थिति बनी हुई है? अभी स्थिति ये बनी हुई है कि घायल को किस उपचार के लिए मेरठ भर्ती कराया गया है, उसका उपचार चल रहा है, और बाकी जो और बंदी वहाँ उनके साथ जिसने हमला करा था, उन लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जी, जिस तरीके से, लेकिन जिस वक्त ये हमला किया होगा उस वक्त ऑलरेडी पुलिस उसके साथ होगी, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाई। पुलिस पूरी तरीके से कचहरी के अंदर मौजूद थी, लेकिन पुलिस के सामने ही ये सारी घटना घट गई। पुलिस मुखबधिर बनी देखती रही और उसके साथ ही वकीलों में हड़कंप मच गया। और जो हथियार है वो कहां से आया? हथियार जो ये इसमें जो घायल हुआ है कुलदीप की मां ने आरोप लगाया है कि दूसरे पक्ष का एक लड़का, राजू नाम का कोई लड़का है, वो जैसे ही ये लोग गाड़ी से आए थे, जो पुलिस की गाड़ी इन्हें पेशी के लिए लेके आई थी, गाड़ी से उतरते वक्त ही एक लड़के ने इन्हें बंद पैकेट में कुछ दिया था। ये हथियार वहां गया और पुलिस की मौजूदगी में दिया था। ये घायल कुलदीप की मां ने आरोप लगाया है। तो कहीं ना कहीं इसे पुलिस की कार्यशैली पर कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा है, क्योंकि अगर इतना बड़ा पुलिस जाब्ता मौजूद है उसके बाद भी इस तरीके की वारदात होती है, तो सवाल पुलिस पर भी उठ रहे हैं। बिल्कुल उठने चाहिए, उठ रहे हैं और बिल्कुल उठने भी चाहिए कि पुलिस की मौजूदगी में भरी कचहरी के अंदर इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना वाकई पुलिस पर सवाल या निशान खड़े करता है। जी धर्मपाल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि ये यूपी हापुड़ का ये मामला है जहां पर दो आरोपी आज कचहरी में पेश हुए, लेकिन उससे पहले ही एक और वारदात को अंजाम दिया गया, दोनों एक आरोपी के तरफ से दूसरे आरोपी पर, एक आरोपी पर 302 के तहत मामला दर्ज था तो दूसरे पर 307 मामला दर्ज होने वाले आरोपी ने एक दूसरे आरोपी पर हमला कर दिया।
एक तरफ सरकार स्वच्छता को लेकर स्वच्छ भारत मिशन चला रही है, जिसके तहत गांवों में शौचालयों का निर्माण करवा रही है, लेकिन जिम्मेदार इसमें भी अपना स्वार्थ देख रहे हैं। दरअसल जो शौचालय बन रहे हैं उनको आधा अधूरा बनाकर छोड़ा जा रहा है, तो कहीं कम गुणवत्ता के सामान का उपयोग किया जा रहा है, जिसके चलते पहली बारिश में ही ये शौचालय धराशायी हो गए हैं, जिसे लेकर लोगों ने को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सिद्धार्थ नगर से धर्मवीर गुप्ता जुड़ चुके हैं। धर्मवीर, जिस तरीके का ये मामला सामने आया है कि शौचालय निर्माण कराए गए लेकिन जब पहली बारिश हुई उसके बाद धराशायी हो गए। जी, हम आपको बताना चाहेंगे जी, पहली बारिश में ये शौचालय बारिश का मार झेल नहीं पाए और एक नहीं कम से कम दर्जनों शौचालय गिर गए पहली बरसात में ही। जी, जो कहां का कौन सा गांव किसका मामला बताया जा रहा है? ये पटन मोहबत ब्लॉक में एक गांव है। अभी तक इस मामले में किसी अधिकारी का कुछ कहना है कि जिस पहली बारिश हुई, शौचालय निर्माण अभी हुआ ही है और पहली बारिश में इस तरीके की जो शौचालय गिर जाना? जी, इसमें डीएम साहब से बात हमारी होती है तो डीएम साहब ने कहा कि इसकी हम जांच करवाएंगे और जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जी जी, और तो वही जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनका क्या कुछ कहना है? स्थानीय लोग सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि एक ठेकेदारी परपस से बनाया गया और ठेकेदारी परपस से किया गया हर काम, गड़बड़ी होता है उसमें, तीसरे दर्जे का ईंट लगा हुआ है और बालू लगा है, सीमेंट की मात्रा बहुत कम है। जी जी, शुक्रिया धर्मवीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि ये जो सिद्धार्थ नगर है यूपी का, यहाँ पर शौचालय निर्माण जो कराए गए उनमें कहीं ना कहीं घोटाले की जो खबर है वो सामने आ रही है, क्योंकि पहली बारिश में ही ये शौचालय धराशायी हो गए। अभी तक आपने पुलिस द्वारा तस्करों, बदमाशों और अपराधियों के पकड़ने के कारनामे खूब सुने होंगे, लेकिन हम आपको कुशीनगर पुलिस की एक ऐसी कारिस्तानी दिखाने और सुनाने जा रहे हैं जो पुलिस की वर्दी को दागदार करने के साथ पूरे महकमे की साख को बट्टा लगा रही है। दरअसल जनपद में शराब तस्करी का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें पुलिस के ऊपर ही शराब तस्करी का आरोप लग गया है और ये आरोप कोई और नहीं बल्कि खुद पुलिस वालों ने ही अपने सहकर्मियों पर लगाया है। अब इस पूरे मामले की जांच करने के लिए खुद आईजी जोन को कुशीनगर आना पड़ा, हालांकि इस मामले में अभी तक किसी पुलिस वाले पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन दो दिन के भीतर होने वाली जांच में कई पुलिस कर्मियों के ऊपर विभागीय गाज गिरने की पूरी संभावना है। तो बिहार में शराबबंदी के बाद उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती कुशीनगर जनपद शराब तस्करों के लिए अड्डा बन गया। पुलिस और आबकारी विभाग ने शराबबंदी के बाद अब तक लाखों लीटर शराब बरामद की है। राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर स्थित चार थाने तस्करी में पकड़ी गई लग्जरी गाड़ियां और शराब से पटे पड़े हैं। जनपद के चर्चित चार थाने हाटा, कसिया, पटहेरवा और तरिया सुजान है जो इस तस्करी का कहीं ना कहीं हिस्सा भी है।
का आरोप लगा है और ये आरोप खुद पुलिस वालों ने अपने ही सहकर्मियों पर लगाया है और अब इसके बाद खुद आईजी जोन को कुशीनगर आना पड़ा और इस पूरे मामले की वो तफ्तीश कर रही हैं। आखिर ये पूरा मामला है क्या? आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर स्थित चार थाने तस्करी में पकड़ी गई लग्जरी गाड़ियां और शराब से पटे पड़े हैं, जिसमें हाटा, कसिया, पठेरवा और तेरा सुजान थाने इसमें शामिल हैं। जब बिहार में शराबबंदी के बाद उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती कुशीनगर जनपद शराब तस्करों की पसंदीदा एक जगह बन गया है और पुलिस और आबकारी विभाग ने शराबबंदी के बाद अब तक लाखों रुपए की शराब यहां पर बरामद की है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ कुशीनगर से आसिफ खान जुड़ चुके हैं। आसिफ, जिस तरीके का ये मामला आ रहा है कि पुलिस ही अपने सहकर्मियों पर आरोप लगा रही है और वो भी शराब तस्करी का। जी, देखा जाए ये मामला कहीं ना कहीं मामला संदिग्ध लग रहा है। ये मामला काफी दिनों से कुशीनगर में अवैध शराब का चल रहा था, जिसमें कुछ ही दिन पहले कसिना थाने की पुलिस ने एक बड़ा जखीरा शराब का बरामद किया था। तो जहां तक लोगों का कहना है कि वो शराब बरामद करने के बाद कुछ ही उसी विभागीय लोग जो उनको काफी नागवार लगा और नागवार के बाद ये एक साजिश रच के ऐसा किया गया। अब ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि क्या मामला है, लेकिन लोगों का यहाँ चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक दूसरे पर लावण होना एक सोचने वाला विषय है। कहीं ना कहीं मामला तो ये संदिग्ध लग रहा है कि कोई चाह रहा था कि इसको पकड़ा ना जाए, चाहे कोई चाह रहा था कि छोड़ा जाए, ये मामला आके ऐसा चूर फंसा हुआ है। लेकिन सवाल ये भी है कि जिस तरीके से शराब तस्करी का ये आरोप लगाया है और कहा यह जा रहा है कि बिहार से जब से शराब बंदी हुई है उसके बाद से लगातार यहाँ पर जो शराब तस्करी वो बढ़ गई है। जी बिल्कुल, बढ़ गई है शराब तस्करी। अभी हाल ही में यहाँ बिहार बॉर्डर क्रॉस करने के बाद बिहार पुलिस ने 2 करोड़ रुपए की शराब पकड़ी थी। तो क्या ये कुशीनगर जनपद से होके वो ट्रकें गए होंगे या फिर ऊपर से चले गए या कहीं और से गए? तो ये मामला अभी कुछ दिन में चर्चा खत्म ही नहीं हुआ था कि ये मामला कसिना थाने का आ गया कि अभी 2 दिन पहले शराब पकड़ी जाती है उसके बाद फिर एसओ पर ही आरोप दिया जाता है, जबकि अपने कार्य क्षेत्र से बाहर आके दूसरे सर्किट के सीओ और एसओजी ये बरामदगी करती है। तो ये तो संदेह का घेरे में है, जबकि ये मामला आईजी जोन को जब मिला तो आनंद फानन में कसिया थाने पर। लेकिन आसिफ, जिस तरीके का जो आरोप पुलिस पर लग रहा है, कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठता है कि क्या जो कुशीनगर पुलिस है वो सच में तस्करों पर इस तरीके से मेहरबान हो रही है? जी मेहरबान देखा जा रहा है कि आए दिन जो शराब पकड़ना इसको कहा जाएगा और कभी ना कभी ये जो है ये माना जा सकता है कि जाती भी होगी शराब यहाँ से, लेकिन एक जो खाना पूर्ति भी मानी जा सकती है कि एक आध ट्रक पकड़ के और पुलिस खाना पूर्ति करती है। लेकिन ये तो मामला यहाँ जो है मामला जब तब उजागर हुआ जब ये दोनों पक्ष लावंद हो गया और एक दूसरे के खिलाफ खड़ा हो गया। अभी दो दिन बीता नहीं, दूसरे को आरोप मढ़ दिया गया कि उनके गाड़ी में ही शराब तस्कर की जा रही है। ये तो अब जांच के बाद ही खुलासा होगा। जी आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और हमसे हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल, ये कुशीनगर का ये पूरा मामला है जहां पर पुलिस वाले ही अपने सहकर्मियों पर शराब तस्करी का आरोप लगा रहे हैं और अब ये जांच का विषय है और खुद आईजी जोन इस पूरे मामले की जांच करने के लिए आए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण को लेकर बेहद संजीदा है। सरकार पौधारोपण के इस कार्य को प्रदेश स्तर पर चलाएगी, जिसमें सभी पेड़ों को मतपत्र जारी होगा। भारत छोड़ो आंदोलन की 77वीं वर्षगांठ पर 9 अगस्त को ये कार्यक्रम किया जाएगा। मुख्य सचिव ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिए हैं। ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव और ग्राम विकास अधिकारी को पीठासीन अधिकारी बनाया जाएगा, जिसके बाद पौधरोपण को लेकर इस अभियान को सफल बनाया जाएगा। प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण को लेकर बेहद संजीदा दिखाई दे रही है। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 77वीं वर्षगांठ है और प्रदेश सरकार ने यह लक्ष्य रखा है
कि 9 अगस्त को एक ही दिन में 22 करोड़ पौधारोपण किए जाएंगे। ये पौधारोपण जो किए जाएंगे इन्हें इलेक्शन मोड में किया जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इलेक्शन मोड क्या है। दरअसल पौधारोपण अभियान की निगरानी से लेकर अन्य कार्य भी इलेक्शन मोड के माध्यम से किए जाएंगे। इसमें पौधों को मतपत्र व ग्राम पंचायतों को पोलिंग बूथ मानकर कार्य किया जाएगा। आपको बता दें, पौधारोपण महाकुंभ 9 अगस्त को आयोजित करने का आदेश प्रदेश सरकार जारी कर चुकी है। इसमें उन्होंने चुनावी पैटर्न पर इस कार्य को करने के निर्देश दिए हैं। ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव व ग्राम विकास अधिकारी को पीठासीन अधिकारी मानते हुए जिला को सेक्टर व जोन में बांटकर पौधारोपण अभियान को सफल किया जाएगा। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि जो पौधे लगाए जाएंगे उसमें नीम के, बबूल के, पीपल के, इस प्रकार के पेड़ ख़ास तौर पर लगाए जाएंगे, जिनकी जो अवधि होती है वो एक लंबे समय तक होती है। माना जाता है कि पीपल का, बरगद का और नीम का पेड़ जो होता है, बबूल का, ये जो पेड़ होते हैं ये एक लंबे समय तक चलते हैं। इसको लेकर प्रदेश सरकार 9 अगस्त को पूरे प्रदेश में जिलेवार इलेक्शन मोड में 22 करोड़ पौधों का पौधारोपण करेगी। कैमरा पर्सन मानस के साथ गौरव पांडे, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।